ये पहले कपड़े डालने का जो स्टैंड आता है वो था, तो उसमें से ये बीच वाला कपड़ा टूट गया, बहुत पुराना हो गया था, तो हमने जुगाड़ लगाया कि ये हमें ये तो लोखंड का आता है तो स्ट्रोंग होता है तो वो टूटता नहीं, तो हमने सोचा कि ये फेंके इसके, अच्छा तो हम ये इसका कोई और उपयोग कर लेते, तो हमने ये शूज रखने के लिए स्टैंड बना रहे हैं। तो अश्विन ने, मैंने बोला था यहाँ से डोरी हम गूथ के, जैसे हम बोला खाटला गूथते हैं ना वैसा बना लेते हैं, लेकिन अश्विन ने जुगाड़ लगाया कि यहाँ से फोल्ड करके, ये अश्विन ने गरम करके ये इसमें होल किया और बीच में से सीरिया डाल दिया, तो वो हाँ कंफर्टेबल हो गया, उसमें डोरी भी डालनी नहीं पड़ेगी। और निशा ने बोला कि मैं दीदी आपको हेल्प करूंगी, लेकिन वो तो गुजराती की तरह वो डांडिया ही खेल रही है, वो दूसरे किसी और को मार ना डाले तो ठीक है डंडा खण के। निष्ठा तारो वीडियो छाए रहो के हाय गाइस कहता केम छो बदा बोले वीडियो बोले। निष्ठा का मूड होता है ना तभी वो बोलती है मम्मी मेरा वीडियो बनाओ, मम्मी मेरा वीडियो बनाओ, लेकिन जब मूड नहीं होता तो अब हम कितने भी हैरान क्यों ना हो जाए लेकिन वो बोलती ही नहीं है। ये जुगाड़ हमारा सक्सेस गया क्योंकि पैसे बगाड़ने से अच्छे हम किसी और जुगाड़ लगा के हम किसी और दूसरी चीज बना डाले इसमें से, इसको बोलते हैं गुजराती। और गुजराती का डंका तो जहां भी जा वहां बजता ही बजता है। सुस बोले करी ने बता वीडियो निसुस खड़े आता ना ये मत काटी आओ बीज खड़े हो जी बे खड़े आवानु आम रखना। इस तरह ये सूज डालने के स्टैंड हो गया। दीदी नखनिया जो हम फेंक देते तो हमारे पैसे वेस्ट जाते और ये दूसरा जुगाड़ हो गया और हमारा पैसा भी बच गया। खमे भी जो आप देख सकती हो ये कितना अच्छा हो गया। गिर भी नहीं सकते आप जो आवाज पड़े ही नहीं गिर। और इसमें डोरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। इसलिए आप जब भी पुरानी चीज हो जाए तो उसमें कुछ विचार करके जुगाड़ लग सकता है तो जुगाड़ लगाओ, जो ऐसा लगे कि ये किसी चीज में उपयोग में ही नहीं आएगा तो ही फेंको, वरना फेंको मत, पैसे वेस्ट होते हैं। रोज हम मोबाइल में पड़े होते हैं, आज नेट नहीं आ रहा है तो हम मोबाइल से बाहर की दुनिया में आए हैं और जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ इसी तरह बच्चों को किसी और चीज में बिजी रखो तो वो कभी मोबाइल नहीं मांगेंगे और हम भी उसके साथ बिजी रहेंगे तो निष्ठा हेल्प कर देती नहीं किसु दे गिर में किसु जिसका को कुछ काम बोलो तो पहला सॉन्ग ही गाने लग जाती है। वो जब से स्कूल जाने लगी है तब से उसका सॉन्ग का चालू हो गया है। मुझे ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज लेके आओ। इंगीन है अभी तक स्टैंड पूरा नहीं हुआ है और निष्ठा ने सारा बॉक्स में से सारी चंपले निकाल के यहाँ पे गोठ दी। मेरी हिंदी सुनोगे तो आप चक्कर खा जाओगे।
अश्विन किचन में आधा घंटा हुआ खड़े हुए थे और किचन में ये गरम कर कर के ये होल कर रहे थे, मुझे लगा सक्सेस नहीं जाएगा, लेकिन सक्सेस गया। सक्सेस हो गया है। ये लो हमारी फड़ी सफल गई है। जो पहले के जमाने के लोग थे वो कभी भी चीज फेंकते नहीं थे डायरेक्ट, अब के टाइम में हम थोड़ी सी भी चीज टूटता है तो हम डायरेक्ट फेंकने का विचार करते हैं कि फेंक दे दूसरी ले लेंगे, लेकिन कभी भी चीजों को फेंके मत, पुरानी चीजें हमेशा काम आती है। वेस्ट में से बेस बनाया है, सक्सेस गया है अभी तो। पहले के जमाने के लोग तो कितनी सारी चीजें वो पुरानी पुरानी संभाल के रखते थे। ओल्ड इज गोल्ड। ये देखो निष्ठा ने तो चंपलों की दुकान ही खोल डाली, उसको ट्राई करने के लिए बोला था तो वो तो सारी चंपले निकाल के यहाँ के रख ली, मोची बाजार बना दिया है। जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ तब मैं ही बड़बड़ 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 करती हूँ, ये बाप बेटी तो उसके काम में ही बिजी रहते हैं। हमारे पर कैमरे का फोकस रहता है ना, आज तो मैं कैमरे पर फोकस कर रही हूँ। गया और एक बात, दो बाकी है, दो बाकी है, लेकिन सीरिया कम कम है, सीरिया भी है, सब कुछ है। यहाँ से त्रासा हो गया ऐसा क्यों लग रहा है? तो त्रासा ये निकली क्यों छे, बारे पड़ी छे निष्ठा, એટલે આ છેલી બાકી થાસે સેટ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जहाँ जहाँ से फॉल हो रहा है वहाँ वहाँ से फेविस्टिक से चिपका दे तो वो जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। ये काम वाले तो फंगुसा करने आती है तब यहाँ से यहाँ खसर खसर करती है सब, वो एक एक सीरिया निकाल देती है। निष्ठा ने दोनों बॉक्स खाली कर दिए और यहाँ पे गोठ दिए सारे चप्पल और बूट, आप देख सकते हैं वो कैसे गोठ हुए हैं। एक आम नीचे पड़े हुए केम पड़े हुए निष्ठा ने कहू रही, डेडी ने शूज नीचे पड़े हुए जी नीचे आए रहे हो हाँ हाँ बाजू, अरे ओली पहली बाजू नीचे बाहर केम पड़े हुए बाहर नहीं देखा तो तने आसू है यहाँ इस तरह बच्चे किसी एक्टिविटी में बिजी रहेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे, उसका माइंड भी एक्टिव रहेगा, तो किसी ना किसी चीज में या खेलने में बस बच्चे को बिजी रखो, उसको मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालो। रोज रोज कार्टून देख के उसका आंख भी दुखाती है लेकिन मानते नहीं है बच्चे, क्या करें। ये मोबाइल देखना टीवी देखना ये आदत है सब हम ही पाड़ते हैं, लेकिन तब हम सोचते नहीं है कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, ये मोबाइल और टीवी में हमें उसको बिजी रखते हैं, तो बाद में जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तब हमें विचार आता है कि हम ये सब बुरा किया, जैसे बच्चे को
मोबाइल में टीवी में बिजी रखा, हमें लगता तब हमें लगता है कि मैं बच्चे को मोबाइल दे दूं तो मैं ये काम कर पाऊं या ये वो काम कर पाऊं या मैं मोबाइल देख पाऊं, लेकिन बच्चे को बच्चे की जीवन के लिए ये अच्छा नहीं है। तो अभी भी बोल रही है कार्टून कार्टून, ये सब हमारी ही भूल है। पहले कुछ इस तरह का था तो वो ये कपड़ा टूट गया, अब उसमें जुगाड़ लगा के हमने बनाया है इस तरह। ये देखो कितना अच्छा हो गया। जब टूट गया था तब तो मैं अश्विन को बोल रही थी मैं काम वाली को दे देती हूँ, लेकिन इतने दिन संभाल के इसका मूल्य मिला है ये। हमारा जुगाड़ सक्सेस गया, कितना अच्छा हो गया। देखो निष्ठा तो थक गई है सब काम कर करके।